देखिए, आप किसी भी मैच में अपना टीम क्रिएट करने के लिए प्लेयर का स्टेटस, प्लेयर रिकॉर्ड सारी कुछ निकाल लेते हैं, यहाँ तक कि आप प्लेयर बैटल्स भी निकाल लेते हैं और अपना टीम क्रिएट करने के सोचते हैं। इसके बाद में जब आप पिच रिपोर्ट निकालने जाते हैं तो वहाँ पे आपको तीन चीज़ देखने को मिलता है। एक तो आपको बैटिंग पिच मिलेगा, जो आप जानते हैं बैटिंग पिच क्या है, यानी बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड जो होता है ना, उसको बैटिंग पिच कहते हैं। मतलब कि जो ग्राउंड पे मैच खेला जाना है वहाँ का ग्राउंड जो है बैट्समैन को सपोर्ट करता है, तो उसे हम बैटिंग पिच बोलते हैं। और वहीं एक होता है बॉलिंग पिच, यानी जिस ग्राउंड पे फील्डर का जो है ज़्यादा सपोर्ट है तो उसको बॉलिंग पिच बोला जाता है, यानी बॉलिंग फ्रेंडली ग्राउंड होता है तो वहाँ पे बॉलर्स चलेंगे तो उसे बॉलिंग पिच बोला जाता है। और एक होता है बैलेंस पिच। तो ये बैलेंस पिच क्या होता है इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, जब बैलेंस पिच बॉलिंग पिच रहता है तो आप बॉलर को कैप्टनसी और वीसी दे देते हैं, आपका टीम जो है अच्छे रैंक पे वर्क करता है। और उसी तरह से जब बैटिंग पिच होता है तो आप बैट्समैन को कैप्टनसी और वीसी बना लेते हैं, तो वहाँ पे आपका टीम जो है अच्छा रैंक पे वर्क करता है। वहीं जब बैलेंस पिच होता है तो आप यहाँ पे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि भाई हम किसको कैप्टन और वीसी बनाएं जिससे हमारा टीम जो है अच्छे रैंक पे वर्क करे और हम अच्छे खासे पैसों को विन कर सके इस मैच में। तो इस वीडियो में बैलेंस पिच के बारे में पूरी डिस्कस करूँगा। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि बैलेंस पिच क्या होता है और बैलेंस पिच होने पर क्या किसको कैप्टनसी और वीसी बनाया जाएगा और किन किन प्लेयरों को ज़्यादा सेलेक्ट करना होगा अपने टीम में। तो बने रहिए वीडियो में पूरे अंत तक, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। और इसके अलावा आपने टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पे आपको न्यू न्यू अपडेट्स मिलते रहते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अब जैसे ही हम ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक मुकाबला होने वाला है जो 12 घंटा बाद में होगी। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको सारे के सारे कॉन्टेस्ट शो हो जाते हैं। यहाँ पे सारे के सारे प्लेयर भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको अभी तो कुछ नहीं मालूम है कि कौन से प्लेयर यहाँ पे चलेंगे और कौन से नहीं चलेंगे, किसको आपको सेलेक्ट करना है और किसको नहीं सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम इसके जो है पिच रिपोर्ट पहले पता करेंगे। तो यहाँ पे पिच रिपोर्ट पता करने के लिए सिंपली आपको ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है फैन कोड, आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। अगर प्ले स्टोर पे नहीं मिलता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे ओपन करने के बाद देखिए, आपको यहाँ पे इस लाइन में ढूंढना है कि ये मैच कहाँ पे है, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच जो मुकाबला होने वाला है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे इस तरह से इसको स्क्रॉल करके ढूंढ लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स वीएस राजस्थान रॉयल्स, ये मैच जो है 37वां मैच है और ये आज के डेट में खेला जाएगा 7:30 बजे शाम में। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन में सारी कुछ की डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग 2022 मैच डिटेल्स, मैच 47वां है, T20 इंडियन प्रीमियर लीग, 7:30 बजे शाम में ये मैच खेला जाएगा, 2 मई को वांगड़े स्टेडियम में ये मैच होने वाला है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे फैंटेसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फैंटेसी पे क्लिक करेंगे, फैंटेसी पे, तो यहाँ पे आपको और कुछ की जानकारी मिल जाएंगे। तो इन सारे जानकारी के बारे में मैं अभी बात करने वाला नहीं हूँ, मैं बैलेंस पिच के बारे में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, वेन्यू भी आपको मिलेगा वांखड़े स्टेडियम, बैटिंग एवरेज भी आपको मिलेगा, यहाँ पे 178 का एवरेज स्कोर है और यहाँ पे आपको पिच रिपोर्ट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सी ऑल एक्सपोर्ट टिप्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप इस तरह से सी ऑल एक्सपोर्ट टिप्स पे क्लिक करेंगे, आपको जो है पिच रिपोर्ट का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बैटिंग पिच 75% यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि ये जो ग्राउंड है बैट्समैन को सपोर्ट करती है, 75% जो है यहाँ पर बैट्समैन चलने के चांसेस हैं
वहीं जो है बैलेंस पिच 25% है और बॉलिंग पिच 0% है, यानी बॉलर का यहाँ पे एडवांटेज नहीं है। तो इस तरह से आपको पिच रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सपोज मैं आपको बता दूं कि 75% अभी जो दिया है बैटिंग पिच, वो अगर यहाँ पे बैलेंस पिच रहता तो आप इस सिचुएशन में किसको कैप्टन और वीसी किसको देते और यहाँ पे जो है अपने टीम में कैसे प्लेयर को सिलेक्ट करते। तो सपोज यहाँ पे अभी तो बैटिंग पिच है तो आप फाइनली बैट्समैन को अपने टीम में रखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है अभी हम बात करने वाले हैं बैलेंस पिच की। तो अगर ये 75% जो है यहाँ पे रहता बैलेंस पिच पे, तो आप इस सिचुएशन में क्या करते। तो अगर आपके टीम में आपके पिच रिपोर्ट में यहाँ पे मिल रहा है बैलेंस पिच, तो देखिए बैलेंस पिच जब भी आपका रहेगा, सबसे पहले मैं बता दूं कि बैलेंस पिच होता क्या है। बैलेंस पिच का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है दोनों साइड से प्लेयर जो है परफॉर्मेंस करेंगे, यानी बैट्समैन को यहाँ पे भी हेल्प है और बॉलर को भी यहाँ पे उतना ही हेल्प है। जिस तरह से यहाँ पे बैट्समैन चलेंगे उसी तरह से आपको यहाँ पे बॉलर भी चलेंगे। तो इस सिचुएशन में आपको बैट्समैन और बॉलर दोनों को अपने टीम में सेलेक्ट करना है। तो बैलेंस पिच का मतलब यही होता है कि मतलब यहाँ पे जो बैट्समैन है वो भी चलेंगे और बॉलर है वो भी चलेंगे, यहाँ पे जो है रन भी पड़ेंगे और विकेट भी गिरेंगे। तो ये बात को आपको समझ लेना है। और सबसे फाइनल जो बात होती है वो यहाँ पे डिपेंड करता है टॉस के बाद में। जब टॉस हो जाती है तो टॉस होने के बाद में आपको वेट करना है कि टॉस होने के बाद में सबसे पहले ध्यान देना है कि कैप्टन जो है टॉस को जीत करके क्या करने वाला है। यानी टॉस जीत करके अगर कैप्टन बैटिंग का फैसला करता है तो समझिए कि वहाँ पे बैट्समैन चलेंगे। बैलेंस पिच में अगर टॉस जीत करके कैप्टन जो है बैटिंग का फैसला करता है तो वहाँ पे जो है बैट्समैन ज़्यादा चलेंगे और बॉलर तो चलेंगे ही, लेकिन बैट्समैन को थोड़ा ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, बैट्समैन को अपने टीम में रखना है और कितने बैट्समैन को, तो 5 बैट्समैन को अपने टीम में रख लेना है और 3 बॉलर को और 2 ऑलराउंडर को अपने टीम में रखना है। जब टॉस जीत करके कोई भी टीम बैटिंग करने का फैसला करे तो। और दूसरी बात, यहाँ पे टॉस जीत करके जो है अगर कोई भी कैप्टन टॉस जीत रहा है किसी भी टीम का और बॉलिंग का फैसला करता है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको 3 बैट्समैन, 1 और 1 विकेट कीपर और इसके अलावा 5 बॉलर, 2 ऑलराउंडर के साथ आपको यहाँ पे अपने टीम में रख लेना है। जो मैं बात बता रहा हूँ इस पर आपको ध्यान देना है और इस तरह से कम्बिनेशन करना है, ठीक है। इसके बाद में आप कोई भी टीम अच्छे से क्रिएट करेंगे और वहाँ पे आपका जो है अच्छा रैंक मिलेगा। और सबसे पहला बात मैंने आपको ये बात बताना भूल गया, जैसे कि यहाँ पे देखिए पिच इज गुड फॉर, यानी यहाँ पे इसका मतलब हुआ पिच इज गुड फॉर का मतलब हुआ कि यहाँ पे कौन से अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 80% जो है पेसर बॉलर यहाँ पे चलेंगे और 20% जो है स्पिन बॉलर चलेंगे। तो यहाँ पे आपको इस बात को भी ध्यान में रख के टीम को क्रिएट करना है। अगर आपका जो है टॉस जीत करके यहाँ पे बॉलिंग का फैसला करने वाला है कैप्टन, तो आपको जो है किस तरह के बॉलर अपने टीम में रखना है। तो जो भी फास्ट बॉलर होंगे जैसे कि बुमराह हो गए, जसप्रीत बुमराह और क्या बोलते हैं भुवनेश्वर कुमार, केकेशी और अवाड़ा, तो इस तरह के जो बॉलर होंगे ना आपको अपने टीम में रख लेना है। जो फास्ट बॉलर, फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि जो भी फास्ट बॉलर होंगे उसको ही अपने टीम में रखना है अगर यहाँ पे पेसर का एडवांटेज ज़्यादा है तो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पेसर 80% है और 20% है स्पिन, तो इस सिचुएशन में आपको इस तरह से करना है। अगर वहीं यहाँ पे स्पिन का ज़्यादा एडवांटेज है तो आपको स्पिन को यहाँ पे अपने टीम में ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट करना है। मैं आशा करता हूँ कि ये बात आप पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।